नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद बड़ा बयान दिया है। मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि 217 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए हमें एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो हमें नहीं मिली। राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, हमें उन्हें 200 रन पर ही रोक देना चाहिए था। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज ने पहली पारी के दौरान पिच को समझा और दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने गेंद को बल्लेबाजों से दूर रखा, जो हमारे गेंदबाज नहीं कर पाए। दोस्तों, इसी के साथ जब महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 पर खेलने आए थे तब तक मैच लगभग चेन्नई के हाथ से निकल गया था। फाफ डू प्लेसिस एक छोर पर खड़े होकर लगातार रन बना रहे थे, लेकिन उन्हें अन्य कोई खिलाड़ी का साथ नहीं मिला। धोनी ने खुद से पहले सेम करन, ऋतिराज गायकवाड़ आदि बल्लेबाजों को भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आवश्यक रन रेट काफ़ी ऊपर जाने के बाद फाफ डू प्लेसिस भी कुछ नहीं कर पाए और चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवर में 3 छक्के जरूर लगाए, लेकिन इनसे राजस्थान रॉयल्स को 16 रन से मिली जीत पर कोई असर नहीं हुआ। संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई सुपर किंग्स को हराने में जोफ्रा आर्चर की बल्लेबाजी अहम रही। उन्होंने अंतिम ओवर में लुंगी एनगिडी को लगातार 4 छक्के जड़ते हुए राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद राजस्थान के गेंदबाज ने चेन्नई पर लगातार दबाव बनाकर रखा और मैच को 16 रन के अंतर से जीत लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में धोनी से कौन सी ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा? आप उसके बारे में नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।